नमस्कार दोस्तों, पवन वाइकड़े में आपका स्वागत है। हर दिन मैं हॉट्स के अलग अलग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ। जो आपने आज का थंबनेल लिखा होगा, आपके मन में सवाल होगा कि सर ये तो बहुत सिंपल है। ये सिंपल नहीं है, इसमें थोड़ी सी गुगली है। गुगली ऐसी है कि आप साइन को कॉस की टर्म में लिख सकते हैं या साइन को आप कॉसेक की टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन टैन और कॉट की टर्म में आप लिखेंगे कैसे, वही चीज मैं क्लियर करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ साइन के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कॉस के लिए भी होगा, ऐसा टैन के लिए होगा, ऐसा कॉट के लिए होगा, ऐसा कॉसेक के लिए होगा, ऐसा सेक के लिए होगा। सबकी अलग अलग वैल्यूज आएगी। और कैसे होगी, सबसे पहली मैं बात करता हूँ साइन थीटा की, ठीक है। साइन थीटा को अगर आपको सबसे पहले कॉस के फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, आप उसको कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पहला टर्म तो ये हो गया, ये क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा। लेकिन हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कहा जाए, इस तरह से नहीं कहा जाए, तो फिर आप कैसे लिखेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। तो यहां पर इसे आप ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो सिर्फ आपको कॉस की टर्म में यहां पर बताना होगा, मतलब 90 माइनस थीटा की टर्म में नहीं लिया, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ये पहली बात होगी। अब इसमें सेकंड वाला कि अगर आपको ये कहा जाए कि सेक स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो यहीं पर वो बदल जाएगा। देखिए मैं यहां स्टार लगा देता हूं, मतलब ये कॉस के इसमें यहां पर पहला वाला हो गया। अगर आपको इसको सेक के फॉर्म में लाना है तो इतना आपको करना होगा, और यहां पर साइन थीटा ऐसा कैसे रहेगा, और आप यहां क्या करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे कॉस स्क्वायर को। तो क्या होगा, ये सेक स्क्वायर का है मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा sec square theta minus 1 upon sec square theta। अब ये अंडर रूट में sec square theta, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा sec square theta minus 1 upon sec theta, ये square root से बाहर आ जाएगा। तो ये दूसरा हो गया sin theta, आपने यहां पर बता दिया इन द फॉर्म ऑफ sec theta। देखिए sin theta आपने cos के फॉर्म में बता दिया, sin theta आपने sec के फॉर्म में बता दिया। अब sin को आप tan के फॉर्म में कैसे बताओगे, तो यहां आते हैं यहां पर, या इसी से याद है। तो यहां अगर देखें तो हमें मिला है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। अब ये साइन को आपको जब टेन में कन्वर्ट करना, तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, यहां सेक के फॉर्म में देके रखा है, और सेक और टेन के बीच में रिलेशन क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। लेकिन अगर आप इस 1 को उस साइड भेज दे तो क्या होता है, टेन स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, tan स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे रहेगा, ये होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर मैं ये स्क्वायर रूट स्क्वायर हटा दूं इसका, तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल आएगा। मतलब ये पूरे की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, ये पूरे की जगह मैं लिख दूंगा tan थीटा, ठीक है, ऊपर वाले की जगह पर। ओके, अब बात आती sec थीटा की, तो ये जो है ये वाला, ये sec स्क्वायर थीटा जो है किसके इक्वल है, 1 प्लस tan स्क्वायर के इक्वल है। sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो जरा स्क्वायर को हटा दो, तो sec थीटा किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस sec की जगह पर आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपने sin थीटा को tan के फॉर्म में बदल दिया। देखिए sin थीटा इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा, sin थीटा इन द फॉर्म ऑफ sec थीटा, sin थीटा इन द फॉर्म ऑफ tan थीटा भी आ गया। अब tan से cot बनाना सिंपल है, आप जहां जहां tan लिखा उसको cot कर दो, तो sin थीटा tan की जगह पे आप 1 अपॉन cot थीटा लिखोगे, और यहां क्या लिखोगे, 1 प्लस 1 अपॉन cot थीटा, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए, इसका है मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा 1 अपॉन cot थीटा ऐसा कैसे रहेगा, और ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन cot थीटा तो ऊपर का रहेगा, और ये जो है अपॉन में, ये होगा अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा। तो ये cot थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, sin थीटा किसके फॉर्म में बचा है, sin थीटा बचा है, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो sin जो हो गया ये cot के फॉर्म में भी आ गया, इन द टर्म ऑफ cot भी आ गया। और sin को cosec के टर्म में लिखना है, तो वो तो सिंपल है कि sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा। और वैसे भी आप अगर इसको चेंज करते कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 cosec स्क्वायर होता है, अंडर रूट में cosec स्क्वायर लिखते तो cos हो जाता, तो पॉसिबल हो जाता। देखिए ये इस तरह से है, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप इस तरह से लिख सकते हैं।
write the sine theta in the term of cos, in the term of tan, in the term of cosec, in the term of cot, आप ऐसे लिख सकते हैं, और in the term of sec, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ही है। ये जो क्वेश्चन है मैंने एक टाइप में आपको बताया, मतलब मैंने आपको बताया कि साइन को बचे हुए पांच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में कैसे बताना है। तो आपको बचे हुए सारे करते आना चाहिए, कॉस को आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए, टेन को आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं चाहता तो सारे आपके लिए बना के बताता, मैंने आपको एक करके बताया है, अब आपको करना है। देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि सारी चीजें मैंने आपको करके दी है, अब मौका आ गया कि अब आपको करना है, कुछ चीजें आपको करना है, कुछ चीजें मैं आपको बताते चलूंगा। अगला जो मैं वीडियो लाऊंगा आपके लिए जल्दी ही, वो थीटा एलिमिनेशन पे मुझे एक वीडियो बनाना है, मुझे कंटिन्यूअसली आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो मेरे ध्यान में है। और आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, आपकी इसमें क्या राय है, आपने ये क्वेश्चन देखा था या नहीं देखा था, प्लीज आप ये जरूर आपका आपकी कमेंट में मेंशन कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपने क्वेश्चन देखा था कि नहीं देखा था। क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, ये अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया, मतलब अगर ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा पूछ लिया कि राइट द साइन थीटा इन टर्म ऑफ टेन थीटा, इन टर्म ऑफ टेन थीटा, तो वो जाएगा इस तरह से, तो ये आपको आता है नहीं आता है, मतलब अगर ऐसा आ जाए सिर्फ, तो आपको गुगली हो जाती है कैसे करेंगे। तो वो इसीलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन छूटे, ठीक है। थीटा एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन भी मैं जल्दी ही आपके लिए लेके आऊंगा, और स्लोली एंड ग्रेजुअली हम, मेरी कोशिश है कि हर दिन एक वीडियो मैं आपके लिए लाऊं, हर दिन एक चैप्टर पे, किसी एक चैप्टर पे। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री पे कुछ वीडियो डालूंगा 2-4 दिन, उसके बाद हम सरफेस एरिया पर डालेंगे, उसके बाद हर चैप्टर को पकड़ते हैं, उसको 4-4, 5-5 क्वेश्चन उसके डालते जाते हैं, ताकि आपको आइडिया आते जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आने वाले। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए पवन एकेडमी, और अपना कमेंट जरूर दीजिए। धन्यवाद।